नमस्कार अर्गस अपडेट को स्वागत करछुमिचिन में प्रथमे हेडलाइंस जलेश्वटा कन्याश्रम परिचालकों आज पुणी हत्या धमक अजणा फोन कल रु धमक आसवा पर आश्रम रे बढ़ला सुरक्षा एपटे जलेश्वटा गस्त कला बीजेपी रो सात जणिया टीम काया मेलाउछि कोरोना नुआ स्ट्रेन को नहीं बढ़ुछि भय देश में नुआ स्ट्रेन रे 240 नुआ संक्रमित महाराष्ट्र पंजाब केरल रे बढ़ुछि संक्रमण सतर्क न रहिले ओडिसा रे भी फेरी पारे लॉकडाउन पांच राज्य में निर्वाचन पूर्व बीजेपी महामंथन दिल्ली में बीजेपी वरिष्ठ कार्यकर्ता बैठक आरंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत जेपी नड्डा शाह उपस्थित एसटीएफ हाथ में ब्राउन सुगार माफिया आठगड़ा अंचल धला जहर जबत कला एसटीएफ दुई गिरफ जबत ब्राउन सुगार मूल्य 7 लाख अधिक कल्लापाट अभयारण्य थमुनी हाथी मड़क आउ एक छुआ हाथी मृतदेह ठाब सात को वृद्धि पाइला मृत्यु संख्या सेपटे स्थिति अनुधान करी आज फेरी था तीन जणिया केन्द्रीय टीम भद्रक डगमुंड निकट में सेक्स रैकेट ठाब चारि महिला और दुई पुरुष को उठाई नेला पुलिस जनक घरे चलुला सेक्स रैकेट खबर पाई चढ़ाउ कर पुलिस उपनिर्वाचन पूर्व राजनैतिक हिंसा पिपिली नुआ शासन में भोटरों को प्रभावित करुवा अभोग दुई गोष्ठी मध्य गंडगोल तीन जन महिला कैपिटल हॉस्पिटल को रेफर भारत और चीन मध्य दशम सामरिक स्तर आलोचना पूर्व लद्दाखु सैन्य अपसारण उपर फोकस पूर्व राजीनामा अनुसार पांगंग ह्रद निकट सेना अपसारण कर सारी चीन एथर संपूर्ण खबर फुलवाणी जलेश्वटा कन्याश्रम परिचालकों हत्या धमक अजणा फोन कल रे कन्याश्रम परिचालक स्वामी जीवन मुक्तानंदपुर धमक मिली एने तुमुड़बंध थाना एतला देखती स्वामी जीवन मुक्तानंदपुरी थाना एतला पर सुरक्षापी कन्याश्रम पहुंचला पुलिस 2008 कन्याश्रम परिचालक लक्ष्मणानंद सरस्वती को हत्या कर कंधमाल जलेश्वटा आश्रम दायित्व जीवन मुक्तानंदपुरी बाबा को हत्या धमक अजणा नंबर रु आसला फोन कल सुरक्षापी थाना एतला दे बाबा कंधमाल जिला तुमुड़बंध जलेश्वटा आश्रम मुख्य को हत्या धमक दि जाएगी आश्रम दायित्व जीवन मुक्तानंदपुरी बाबा एभली धमक दि जाएगी कौन से अजणा नंबर रु फोन आसी हत्या धमक मिली एने संपृक्त आश्रम मुख्य थाना एतला देवा पुलिस तनाघना आरंभ कर घटना अनुसार आज सन्धार स्वामीजी को एक फोन कल आसाला फोन आसला जो धमक जलेश्वटा तुम आश्रम को चार दिन भितर ध्वस्त कर उड़ेदेव आमको समाप्त करदेव आम बहुत उछलकूद कर हिंदी कहते कथा फोन काटे आर इच्छा जे एत साहस केमती है जो 2008 पाँच जन को मरा जाए पुणी एत पुणी आज साहस कर आश्रम को जो मैंने परिचालना कर समाज कल्याण करें छुआ मान पाठ पढ़ाऊ सत्संग करुचु कौन अपराध हो गला देश में बचा एति आम पाखे अधिकार ना आम कम आम करने सुरखुरी शांति निर्भीक है मत निर्भीकता दरकार सुरक्षा दरकार तेरे फोन में कहुई आसंता किसी दिन मध्य बाबा को हत्या करने बाबा थाना एतला आश्रम सुरक्षा को कड़ाकड़ी कर दि जाए तेरे पूर्व 2008 मसीहा अगस्त 22 तारीख में आश्रम रोकवा स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती को यह धमकपूर्ण चिठी आसला यार गोटे दिन पर दुर्बृत मैंने आश्रम मध्य पशि सरस्वती को हत्या करते कंधमालू इशाक प्रधान का रिपोर्ट अर्गस न्यूज कन्याश्रम परिचालकों आज भी धमक आसीथिबा जनापड़ी हत्या सह आश्रम उड़ाई देवाक धमक आसी अनेपटे बीजेपी सात जणिया टीम जलेश्वटा गस्त करुछि एही टीम रे दुई जण विधायक मुकेश महालिंग कुसुम टेटे अछन्ते पुणी स्वामी जीवन मुक्तानंद पुरी जीए विश्व हिंदू परिषदर केन्द्रीय मार्गदर्शक मंडल सदस्य तथा तुमुड़बंध स्थित जलेश्वटा शंकराचार्य कन्याश्रम दायित्व अच्छा गत काली हत्या धमक आसला पुणी आउ थ आज पुनर्व हत्या धमक आसी
एवं पुलिस स्टेशन एथिपाई गत काली स्वामीजी एफआईआर कर सारी किंतु दुर्भाग्यर कथा जमी लगुच सरकार या उपर संवेदनशील नहांती तेणु आमर कहिबा कथा हला सरकार तुरंत या उपर संवेदनशील हुंतु एवं पूज्य स्वामीजी को यथोचित सुरक्षा देवा सहित आश्रम को सुरक्षा दिंतु नचे आगामी दिन में एथिपाई जो आईन श्रृंखला परिस्थिति सृष्टि हेब कारण पूज्य साधु संत हिंदू समाज होती सबुठ सर्वोच्च एवं सेमाने आमर संपत्ति सेमानंक उपरे भली बारंबार आक्रमण ओडिशा माटी आउ चलिबो नाही एथिपाई तीव्र प्रतिक्रिया प्रकाश करा जिवो हजार हजार जनसाधारण हिंदू समाज राजरास्ता को उठिबो आगेइबो आंदोलन करिबो एथिपाई जहाँ भी घटना घटिबो राज्य सरकार संपूर्ण भाव दायी रहिबे आज समय अछि राज्य सरकार तुरंत या पर हस्तक्षेप करंतु एवं पूज्य स्वामीजी को एवं आश्रम को सुरक्षा दिंतु आउ जो माने दोषी सेमानंक विरुद्ध कठोर कार्यानुष्ठान करंतु एवं माननीय मुख्यमंत्री को आम कहवाई चाहूँ ए घटन से सामना को आसतु संवेदनशील हूँ कारण ए देशर धनजीवन ए राज्यर धनजीवन सुरक्षा दायित्व हाथ में तेणु से चुप न रही न सोई एवं जाग्रत होवार आवश्यकता अच्छी ना आगामी दिन में भयंकर परिस्थिति सृष्टि हम राज्य सरकार पूज्य स्वामी जीवन मुक्तानंद पुरी को प्रति जो धमकपूर्ण फोन कॉल आ अत्यंत दुर्भाग्यजनक एवं सरकार ए दृष्टिकोण निरवता आहरी दुर्भाग्यजनक ए दृष्टिकोण उपयुक्त पदक्षेप शीघ्रातिशीघ्र नवा दरकार कारण गत थर स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती जो समय ए प्रकार दुर्घटना घटला से धमकपूर्ण चिठी आसीला एवं फोन में धमक आसला तापर सरकार निरवता कारण गोटे बहुत बड़ क्षति समाज घटला साधु संत मानक प्रति जो प्रकार सद्भावना समाज रहा दरकार से दृष्टिकोण सरकार शीघ्रातिशीघ्र या उपयुक्त पदक्षेप नवा आवश्यक नचे कौन सी प्रकार दुर्घटना यदि घटव ताप बहुत बड़ दुखद समाचार हम ए दृष्टिकोण सरकार उपयुक्त पदक्षेप शीघ्रातिशीघ्र ग्रहण करंतु एतिके हमर निवेदन। पांच राज्य में निर्वाचन पूर्व बीजेपी महामंथन नुआदिल्ली में बीजेपी जातीय अधिकारी बैठक आरंभ होई बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अध्यक्षत बैठक बसी बैठक में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सामिल होती विभिन्न राज्य में विधानसभा निर्वाचन बीजेपी किपर प्रस्तुत होहार हिसाब रखा बैठक उद्देश्य पूर्वाह्न 10:00 संध्या 5:00 जाए यह बैठक चलो बैठक में बीजेपी सब् प्रदेश अध्यक्ष प्रभारी सहप्रभारी सब् प्रदेश संगठन महामंत्री उपस्थित अच्छा देशर पांचटी राज्य में अचानक कोविड संक्रमण वृद्धि पाई केरल महाराष्ट्र पंजाब छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश में कोरोना संक्रमण हठात बढ़िबारु नुआ कटकणा जारी होई महाराष्ट्र में दैनिक संक्रमण मामला लगातार बढ़ी चली आज महाराष्ट्र में 6112 नुआ मामला चिन्हट होई मुंबई में संक्रमण बढ़िबारु कटकणा कड़ाकड़ी करा जाई मास्क पिंधिबा बाध्यतामूलक करा जाई लोके नियम न मानिले लॉकडाउन फेरिबो बोली सरकार सतर्क कराई केरल रे मध्य गत 24 घंटा मध्य 4505 मामला चिन्हट होई देश में मोट सक्रिय मामलू 85% मामला केवल महाराष्ट्र और केरल रही अनेपक्ष उपरोक्त पांच राज्य 78% नुआ कोरोना वृद्धि होता जमापड़ गत 7 दिन में छत्तीसगढ़ और पंजाब में संक्रमण बढ़ी विगत 24 घंटा मध्य पंजाब में 383 और मध्यप्रदेश में 297 नुआ संक्रमण मामला चिन्हट हो देश में किसी राज्य में कोरोनार नुआ स्ट्रेन को नहीं भय नुआ स्ट्रेन रो संक्रमण भय को दृष्टि रखी गंजाम जिला प्रशासन पक्षर जारी होई एसओपी धार्मिक अनुष्ठान बजार विभिन्न अनुष्ठान रे कोविड नियम कड़ाकड़ी पालन कर सरकारी कार्यालय रे मास्क पिंधिबा सामाजिक दूरता रक्षा करिबा बाध्य जिलार समस्त ब्लॉक तहसील एनएससी गुड़िकर हेबो मास्क चेकिंग पॉइंट स्थानीय थाना अधिकारी सहायता रे वीडियो तहसीलदार मास्क जांच करिबे आशा अंगनवाड़ी एएनएम कोरोना संदिग्ध मानंकु चिन्हट सह कोविड टेस्ट पाई निर्देश रही दोकानी माने कोविड कटकणा न मानिले नियाजिपो कड़ा कार्यानुष्ठान
पुणि मातिले ब्राउन सुगार माफिया। आठगड़ अंचल ब्राउन सुगार जबत कला एसटीए। पुराणा कटक संबलपुर रास्ता आखुला पारिजात होटेल 175 ग्राम ब्राउन सुगार जबत होई। होटेल मालिक प्रशांत साहू और जने कर्मचारी को गिरफ्त कर एसटीएफ। जबत ब्राउन सुगार मूल्य 7 लाख टंका हेबो बोली जनापड़ी। रायरंगपुर रे ब्राउन सुगार सहित बेपारी गिरफ। मयूरभंज जिला रायरंगपुर टाउन थाना बस स्टाण्रु ब्राउन सुगार जबत कर 6.70 ग्राम रो ब्राउन सुगार जबत करिबा सह अभियुक्त को मध्य गिरफ कर टाउन थाना पुलिस। अभियुक्त युवक जनक हेले झारखंड राज्यर आदित्यपुर अब्दुल क्वेम। भक्त युवक जनक झारखंड रु आसी रायरंगपुर अंचल रे ब्राउन सुगार बिक्री कर आसुथिबा पुलिस खबर पाई ट्रैकिंग चलाइथिला। तबे आज बाइक रे आसी रायरंगपुर बस स्टाण्ड रे डील करबा पूर्वरु पुलिस चढ़ाव करी ब्राउन सुगार जबत करबा सह अभियुक्त को गिरफ करछि। तबे अशांत होइछि महांगा माटी जहाँकु नेकि बीजेपी शांत करबा पई बा किभळि एठारे आउ अशांति देखा जिवो नाही जहाँकु ने बीजेपी 18 तारीख रु सद्भावना पदयात्रा आरंभ करिछि। तबे वर्तमान सीधासळख जिवा बीजेपी रो सद्भावना पदयात्रा रैली को सेठारे आम सहित सीधासळख जोडी होइछन्ते आम प्रतिनिधि संतोष। तबे संतोष वर्तमान रो स्थिति कोन रहिछि कोन चित्र आसुछि? देखो निश्चित भाव चिन्मयी महांगारे जो भाई भाव में बर्तमान अशांत परिस्थिति देखाई या दृष्टि रखी वर्तमान समय आरंभ कर सद्भावना पदयात्रा आज चतुर्थ दिन में पदयात्रा पहुँची। आप सीधा सड़क देखुवे कि भाव में बीजेपी जो मैंने नेता अच्छा जो कर्मी मैंने से मैंने वर्तमान समय पदयात्रा बाहरी ए पदयात्रा छतिया पर्यंत जीव एवं ता सहित जो माने महिला माने अच्छा जो पुरुष माने अच्छा जो माने साधारण लोक निमंत्रण कराई से आसी जोग दौंती या सहित किभली भाव में आग को राजनैतिक हिंसा हेनी आग को राजनैतिक शत्रुता देखा जीवन महांगारे पुणी थे शांति फेरी आसो या वर्तमान समय दृष्टि रखा या सहित किभली भाव में आपड़ देखिपे ठीक जो अच्छी ये जो गोटे मंदिर वर्तमान समय पदयात्रा आरंभ कराई और जो बीजेपी नेता अच्छा प्रतिक्रिया नापाई बर्तमान चेष्टा कर पुष्पगिरी महाविहार करते महांगा माटी आज डेली प्रतिदिन हत्या एवं आत्महत्या एवं दुर्घटना जनित हत्या एवं बलात्कार हत्यार शिकार होजी महांगा भाई शांतिप्रिय जगह जो रक्त छिटा लगी तार प्रतिवाद आज महांगार आवाड़ वृद्ध वनिता एकजुट होती आशा रखिंट आंदोलन भयंकर तीव्र हे महांगार कौन दल ना महांगार कौन जाति ना महांगार कौन धर्म ना महांगा गोटे मटी जो मटी एक भाईचारा अच्छी समस्त समस्त संपर्क अच्छी जो भगवान बुद्ध कौ शह शह वर्ष तेज जापारी पुष्पगिरी महाविहार करते सी एत बोका थे भाभी यह जगार मुझे ललितगिरी ठारे एक पुष्पगिरी महाविहार विद्याविहार करेंगे जोटी खाली डेली रक्त रंजित हे तेणुक जो भगवान आशीर्वाद रोचे जो प्रभु जगन्नाथ आशीर्वाद रोचे गौतम बुद्ध भी आशीर्वाद रोचे से मटी केवल सहीक दबनी से मटी क्या सहवाक दबनी जो व्यक्ति जो नेता जो दल रक्त हिंसार हत्यार विश्वास कैर ताकि महांगा मटी के सहवाक दब ना आपण देखिपारुछंती सह सह बीजेपी नेता कर्मी वर्तमान समय तांकर जो लक्ष्य स्थल अछि एवं आज होची शेष सद्भावना पदयात्रा एवं समस्ते आज महापुरुष श्री हरिदास पीठ छतिया पाखरे आज यही पदयात्रा को शेष करिवे एवं जो माने वर्तमान समय राजनीतिक हिंसा को जो माने विरोध करुछंती जो माने आईन श्रृंखला परिस्थिति बिगुड़ परिस्थिति को विरोध करुछंती समस्ते आज एकजुट होती सीधा सड़क अनुमान प्रतिक्रिया ना कि भाव में आप देखुंज लंबा लाइन लगी जो बीजेपी जो सद्भावना पदयात्रा डाकरा दे आज समस्ते सामिल होती समस्ते उपस्थित रही तेरे किसी अन्य नेता मैंने अच्छा प्रतिक्रिया नबू जे कहीं परिस्थिति महांगार सृष्टि हो कहीं परिस्थिति आज देखाई कहीं सद्भावना पदयात्रा वर्तमान समय आवश्यकता पड़ा सीधा सड़क आम सहित जोड़ी बीजेपी नेता शारदा प्रधान आम सहित जोड़ी बुलाबू केम देखते आप आज पदयात्रा बाहर कर 13 नंबर अभियुक्त मंत्री प्रताप जेना स्थान पाइले पुलिस को आप अनुरोध कले कि सब घटना है किंतु आज पर्यंत कौन प्रकार सुफल मिलूनी आप सुफल निश्चित भाव में मिल आम
विगत दिन में डीजी ऑफिस जितेबाला घेराव कराला डीजी महाशय 10 दिन समय देले किंतु 10 दिन भितर दोषी की दंड देवा परिवर्तन 10 दिन भितर से दोषी को सुरक्षा देवार लागि पड़ले एवं दोषी 10 दिन पर पुलिस एस्कॉर्ट सभा समिति कले तापर मूल एतला माने मूल जे मुदला सी पुणी हत्या है पुणी 5 दिन जाने जड़े 45 वर्षर विधवा महिला से मध्य हत्यार शिकार है रेप एंड मर्डर है एभली कला साहित्य संस्कृति संपन्न ललितगिरी बुद्ध मटी में यह हवा द्वारा माँगार जनसाधारण एकजुट होती शांति फेर पर्यंत सद्भावना जात्रा यहाँ खाली 4 दिन नुह यहाँ प्रथम पर्यायर शेष जात्रा किंतु एपटि बहु शह शह पर्याय चली रचन मंडल मान यही बंद हम सद्भावना जात्रा जो दिन शांति अहिंसा पुनर्वार आम पाख फेर ना बंद हम ना आपने ग्राउंड जीरो में कम कर देखुं जे एटी राजनीतिक शत्रुता हिंसा कौन पाई समस्ते गणतंत्र रे का किए कहा को विरोध करिवो किए कहा को समर्थन करिवो एक कथा अछि किंतु हिंसा कौन पाई आपण काई केम देखछो गणतंत्र राष्ट्र रे जनसाधारण मानकर समस्त समान अधिकार प्रथम कथा होची जो हत्याकांड एटी राजनीतिक हत्याकांड घटिला एपई कि जो माने हत्यार शिकार हेले से माने गणतंत्र राष्ट्र रे जो दुर्नीति अनीति होची एवं तार ग्रास रूट रे ताको जगी थे से माने ताको विरोध कले एवं विरोध करके हत्यार शिकार हेले जहाँ कि प्रधानमंत्री आवास योजना एवं भत्ता ये सब लोक जो माने 55 वर्ष 50 वर्ष भी होने लोक 40 वर्ष लोक भत्ता पाई किंतु 70-80 वर्ष लोक भत्ता पा ना जो माने इंदिरा आवास प्रधानमंत्री आवास नहीं दुई दुई थर तीन तीन थर पाई कि साधारण लोक मैंने कुड़िया घर एपर्तंत रही मुंड गुंजिया स्थान ना यामर जे नेता थे एटिकार पूर्वतन पंचायत समिति अध्यक्ष कुलमणि बराल एवं भारतीय जनता पार्टी या विरोध करता जहाँफल कि से हत्यार शिकार है तेणुक ये सरकारी दल बाजु जनता दल जे विधायक अच्छा मंत्री अच्छा से संपूर्ण भाव दायी से मैंने भ्रष्टाचार करने प्रोत्साहन दौरान आडमिनिस्ट्रेशन बा प्रशासन एवं तक दलय कर्मी मैंने साधारण तो ब्लकटा को से मैंने निजर अफिस् करजु जनता दल अफिस् कर जो कहीं महांगे संपूर्ण रूपे गणतंत्र भ्रुशुड़ जामे मैने शांति प्रतिष्ठापी ये जो 4-4 हत्याकांड जी हत्या कले दल से सरपंच थे मंत्री पाख को नहीं गले किंतु सुरक्षा दे पारे से तो जो भली भाव महांगारे अशांत बढ़िवारे लागिछि जहाँ को बीजेपी पदयात्रा करिछि किंतु आशा करिबा हुए तो पदयात्रा सक्सेस हो एवं जो साधारण लोक माने पदयात्रा रे सामिल होइछन्ति सेमानकर गोटे स्वर राज्य में हिंसाक स्थान ना तेबे जदि देखिबा जे महांगारे कोठी ना कोठी राजनैतिक हिंसा आगामी दिन में देखा न मिलू और जो मैंने घटे से उचित दंड मिले बहुत बहुत धन्यवाद संतोष आपणकर समस्त चित्र आलोचना परवर्ती खबर को शिक्षा विभाग सतर्क रही कोरोना संक्रमण को लेकिन सतर्क अच्छी शिक्षा विभाग इन्हें स्कूल और गणशिक्षा मंत्री समीर रंजन दास सूचना देते कोविड रो सठिक परिचालना करी सफलता मिली गत काली सचेतन रहा मुख्यमंत्री अपील करमें समस्ते सतर्क रहा आवश्यक से कहते परिस्थिति आसिले स्कूल बंद कि लॉकडाउन संपर्क में चिंता हो मंत्री कहते एवं एसओपी नहीं एबे एसओपी नहीं स्कूल चली आगो को व्यवस्था देखी विचार करा जबो बोली से सूचना देछन्ते वर्तमान से परिभावरी सिचुएशन आसेनी से आधार करते कथा आसला आपत बारंबार एक रु आठ कथा पचारती आम घटना हूँ संभावना को जो आसी आधार करके संपर्क निष्पत्ति नवे आम पर्यटन से विभाग उपलब्धि करना बट जो गुड़िक कंटिन्यू करुचे से गुड़िक बर्तमान से संपर्क में आम भावुचे से जो आम कहीं आम पूरा जो गाइडलाइन दि जाए एसओपी जो दिखाई समस्त स्ट्रिक्टली फॉलो करने कहुई नोडल अफिसर मैंने जाकर फलो करते जिला गस्त मानक जा दृढ़तार सहकार कार्यकारी कराऊँ तेनाली से संपर्क में मुझे आई डोंट फिल आ बर्तमान किसी रिव्यू दरकार पड़े कि विशेष परिस्थिति किसी आसे से संपर्क में चिंता करा निश्चित भाव में अलरेडी आम जो एसओपी देचु से एसओपी अनुसार से कार्यक्रम अच्छा मास्क पिंधा हो सब स्कूल आपसे सोशल डिस्टेंस अच्छी तरह कोविड समस्त गाइडलाइन को फलो कराऊँ से फलो करा फल आज पर्यटन
ପରି କିଛି ସମସ୍ୟା ଆମ ପାଖକୁ ଆସିନି। ସାର୍ ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚଟି ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକା ପଡ଼ୁଛି ତା ଦେହରେ ଛତିଶଗଡ଼ ମଧ୍ୟ ଆସିଗଲାଣି ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ, ତେଣୁ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ଆଗକୁ ପରୀକ୍ଷା ଋତୁ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି ତା ପାଇଁ ଦେଖିବା କଥା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ଆସୁଛି କ'ଣ ସମ୍ଭାବନା ଆସୁଛି ତାକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଚାର କରିବା ଉଚିତ ହେବ। ଏବେଠାରୁ କିଛି କହିବା ସେମିତି ଉଚିତ ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଲର୍ଟ ଅଛି ଏବଂ ଆରମ୍ଭରୁ ଆମେ ତ ଡେ ୱାନ୍ରୁ ୱି ଆର୍ ଆଲର୍ଟ। ତେବେ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ। ତେବେ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ଜାଣିବା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ପିଲାମାନେ ଶିକ୍ଷାଠୁ ଦୂରେଇ ରହିଲେ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆସିଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ ଯେଉଁମାନେ ମେଟ୍ରିକ୍ ବା ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିଛି ଯେ 100 ଦିନର କ୍ଲାସ୍ କରାଯିବ, ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ଅଭିଭାବକ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଶିକ୍ଷକ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାର କାରଣ। 100 ଦିନ ଭିତରେ କ୍ଲାସ୍ ସରିବ ଏବଂ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ି ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ, ସେଥିପାଇଁ ପିଲାଙ୍କର ସିଲାବସ୍କୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ମାତ୍ରାରେ କମାଯାଇଛି। ଏତେ ସବୁ ଭିତରେ ଏସ୍ଓପି ଭିତରେ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି ଏବଂ ଅନେକ ରାଜ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇସାରିଲେଣି ଏବଂ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଛତିଶଗଡ଼ ଅଲରେଡ଼ି ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇସାରିଲାଣି, ସେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ୁଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛନ୍ତି, ଅଭିଭାବକ, ଶିକ୍ଷକ, ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ, ପିଲା ସମସ୍ତଙ୍କର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି, କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୁରା ଘଟଣାକୁ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚିନ୍ମୟ, ଆପଣ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ, ଯୋଉ କିଛି ଦିନ ହବ କରୋନାର ଯୋଉ ସଂକ୍ରମଣ ହାର ହୁଏତ ରାଜ୍ୟରେ କମିଛି ଏବଂ ପାଖାପାଖି 100 ତଳକୁ ରହୁଛି, ପ୍ରତିଦିନ ସଂକ୍ରମିତ ସଂଖ୍ୟା ଆସୁଛି, ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ତାହା କମୁଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି ଆମର ବ୍ରାଜିଲ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍, ତା ସହିତ ଆଫ୍ରିକା ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଏବଂ ବ୍ରିଟେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ କିଛି ଦିନ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଥିଲା। ତେଣୁ ଏଇ ବ୍ରାଜିଲ ଆଉ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ଷ୍ଟ୍ରେନ୍କୁ ନେଇକି ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଭଳି ସ୍ଥିତି ଗୋଟେ ଜାରି ହେଲାଣି ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦେଖିବା ଯଦି ଆମେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, କେରଳ, ପଞ୍ଜାବ, ଛତିଶଗଡ଼ ଏବଂ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ମଧ୍ୟ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଏଇ କିଛି ଦିନ ହେଲା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ତେଣୁ ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିକି ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ସ୍ଥିତି କେମିତି ନ ଉପୁଜିବ ସେଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି। ଯେମିତିକି ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ପୌରପାଳିକା କମିଶନର, ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ, ଏସ୍ପି ମାନଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ସତର୍କ ମଧ୍ୟ କରାହେଇଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ, କେମିତି ଭିଡ଼ ନ ଜମେଇବେ, କେମିତି ଯୋଉ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ରକ୍ଷା କରିବେ, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବେ ଲୋକମାନେ ଏବଂ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ କୋଭିଡ ନିୟମ ପାଳନ କରିବେ। ସେଇ ଏହାକୁ ଯଦି ଆମେ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିବା, ଯେହେତୁ ଏଇ କିଛି ଦିନ ହବ ସ୍କୁଲ ମଧ୍ୟ ଖୋଲିଛି, 100 ଦିନ ପାଇଁ 100 ଦିନର ପାଠପଢା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି, 100 ଦିନ ଭିତରେ ଯୋଉ ପାଠପଢା ଲସ୍ ହେଇଥିଲା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଲକଡାଉନ ସମୟରେ, ତାକୁ କିପରି ଭାବେ ଭରପାଇ କରାଯିବ ଏବଂ ଆଗକୁ ଯେହେତୁ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ରହିଛି ସେଇ ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିକି ପାଠପଢା ମଧ୍ୟ ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଯେତିକି ସଜାଗ ହେଇଛି କୋଭିଡ ସଂକ୍ରମଣକୁ ନେଇକି ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ତାକୁ ନେଇକି ସେମିତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ଆଜି ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ, ଗଣଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ, ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ କିପରି ଭାବେ ଯୋଉ ଏସ୍ଓପି ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ ଆଉ ଯୋଉ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ କଲେଜ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ିକ କିପରି ଭାବେ କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଳନ କରାଯିବ, ଯୋଉ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସ୍କୁଲକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସାନିଟାଇଜର ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ସେମାନେ ମାସ୍କ ପରିଧାନ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଏବଂ ତା ସହିତ ଯୋଉ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା କଥା ତାକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖାହଉଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ତା ସହିତ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ଯେହେତୁ ଆମ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲାଣି, ତେଣୁ ସେଠାକୁ ଯୋଉ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ସେଠାକୁ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ରାଜ୍ୟର ଲୋକ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସଂକ୍ରମଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେଣୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ହୁଏତ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ମାସ୍କ ପରିଧାନକୁ ନେଇକି ଯୋଉ ଚେକିଂ ଚାଲୁଥିଲା, ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂକୁ ନେଇକି ଯୋଉ କଡ଼ାକଡ଼ି ଚେକିଂ ଚାଲୁଥିଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବେ ବୋଲି ସରକାର ଯାହା ଯୋଜନା ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏସବୁ ଚିତ୍ରକୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ତେବେ ନିହାତି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ସ୍କୁଲ ଗୁଡିକ ଖୋଲିଥିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ମଧ୍ୟ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ଏତେ ଦିନ ହେଲାଣି ବା ଏତେ ଦିନ ପରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଛି, ପୁଣି ଥରେ ଯୋଉ କରୋନାର ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଆସିଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଉଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ। ମାଲକାନଗିରିରେ ଲାଲବାହିନୀର ତାଣ୍ଡବ, ପୁଣି ଥରେ ନିଜ ଉପସ୍ଥିତି ଜାହିର କରିଛନ୍ତି ମାଓବାଦୀ। ମାଥିଲି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୁଆପଦର ନିକଟସ୍ଥ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତାରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟାଇଛନ୍ତି ମାଓବାଦୀ। ଆଇଡି ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଜଣେ ଯବାନ ଆହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ବିକ୍ରମ ସ୍ୱାଇଁ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ବିକ୍ରମ, ପୁରା ଘଟଣା କ'ଣ ରହିଛି ଏବଂ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯବାନ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି? ହଁ ଚିନ୍ମୟ, ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ଦିନ ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ମାଓବାଦୀ ନିଜର ଉପସ୍ଥିତି ଜାହିର କରିଛନ୍ତି। ମାଥିଲି ଅଞ୍ଚଳର ଯୋଉ ଦଲଦଲି ବା ଗୁଗାପଦର ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି, ସେଥିରେ ପୋଲିସ ଆଉ ମାଓବାଦୀ ଆଉ
ବିଏସ୍ଏଫ୍ଙ୍କର ମିଳିତ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ ଚାଲିଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଆଇଡି ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଛି, ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାଇନ୍ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଛି, ଜଣେ ବିଏସ୍ଏଫ୍ ଯବାନ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। ତ ବିଏସ୍ଏଫ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ଯଦି କହିବା ଯେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜଣେ ବିଏସ୍ଏଫ୍ ମାଲକାନଗିରିରେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିକ୍ରମ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ। ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ଘୋଘର ରାସ୍ତା କଡ଼ରୁ ରାହୁଲ ନାୟକ ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ମୁର୍ମୁଷ ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜି ସକାଳେ ତାଙ୍କୁ ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା, ମାତ୍ର ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ରାହୁଲ ଗତକାଲିଠାରୁ ଘରୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଫେରି ନଥିଲେ, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ପରିବାର ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା କୋଟ ସମଲାଇଠାରେ ଚାଲିଥିବା ପାତାଳି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ମହୋତ୍ସବ ଉଦ୍ଯାପିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଦୀର୍ଘ ସାତ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଏହି ମହୋତ୍ସବରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ସମାଗମ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ପୀଠରେ ଦୀର୍ଘ 144 ବର୍ଷ ଧରି ଓଡ଼ିଶାର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ଗୁପ୍ତଲୀଳା କରିଥିବାରୁ ବର୍ଷର ସବୁ ସମୟରେ ଏହି ପୀଠରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସମାଗମ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ରଥଯାତ୍ରା ଓ ପାତାଳି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ମହୋତ୍ସବରେ ବହୁ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ପହଞ୍ଚି ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି। ଘଞ୍ଚ ଅରଣ୍ୟ ଭିତରେ ସୁଉଚ୍ଚ ପାହାଡ଼ରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଗୁପ୍ତଲୀଳା କରିଥିବା ତ୍ରିକୁଟ କନ୍ଦରରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ମନ ମୋହିଥାଏ। ତେବେ ସମୟ ସରିଛି, ବୁଲେଟିନ୍କୁ ଏଠି ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର।